हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सभी मिलकर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना चाहते हैं। पीपल आर प्लानिंग टू बाय हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। किसी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, वेदर दे आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और अदर्स, वो सब मिलकर के एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, खरीदी नहीं है, खरीदना चाहते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, उनकी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे किसी इकोनॉमी की। तो अब हु डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज, किसी इकोनॉमी में डिमांड करने वाले कितने लोग होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हमने इनको चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, चार सेक्टर्स में कैटेगराइज किया है, चार सेक्शंस में कैटेगराइज किया है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड क्या गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हैं? वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? कंजम्पशन के लिए भी चीज़ें खरीदती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, इसे हम डिनोट करते हैं जी से। और एक्सटर्नल सेक्टर, जो कुछ लोग क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, वो बाहर चीज़ें बेचने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, दूसरे देशों को चीज़ें बेचने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और इसका हम नेट निकालते हैं, डेट इज़ एक्स माइनस एम। अब क्वेश्चन आता है कि सीबीएसई के सिलेबस में केवल दो ही सेक्टर को कंसीडर करना है हमने, हाउस होल्ड को और प्रोड्यूसर्स को। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड करते हैं, सी, और दूसरा प्लस कर देंगे इसमें हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। ठीक है, सीबीएसई ने 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए केवल इन दोनों चीज़ों को ही एग्रीगेट डिमांड में कंसीडर किया है, सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की या कंजम्पशन फंक्शन की, कि किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन किस बात पे डिपेंड करता है। नेचुरल सी बात है, किसी इकोनॉमी में जो खाने पीने की चीज़ों पर खर्चा है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो डिपेंड करता है इनकम पे, वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, उस इकोनॉमी की इनकम कितनी है। सो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। और हम इसको स्पेसिफिक कर बनाने के लिए क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब ये सी बार क्या है? सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई क्या है? इनकम, और सी है कंजम्पशन। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हम, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। कंजम्पशन फंक्शन में सबसे पहले था सी बार, सी बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन है जब किसी इकोनॉमी में इनकम चाहे भले ही जीरो हो, है ना, तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करना पड़ेगा लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जांपल हम आपकी ही बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई इनकम नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है या फ्रेंड्स पे डिपेंड है, अब वो कंजम्पशन तो कर रहे हैं ना, चाहे उनकी इनकम जीरो है। ऐसे ही किसी इकोनॉमी में भले ही चाहे इनकम जीरो हो जाए, लेकिन कंजम्पशन तो लोगों को खाने पीने की चीज़ों पर मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसे कहते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ठीक है, अब आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से पहले हमें जानना होगा भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हैबिट, टू कंज्यूम मीन्स हैबिट ऑफ कंजम्पशन। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि लोग अपनी इनकम में से कितना पैसा कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, हाउ मच पीपल स्पेंड ऑन कंजम्पशन आउट ऑफ देयर टोटल इनकम। ये दो तरह की होती है, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरी होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, एवरेज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है जब लोगों की इनकम बढ़ती है, व्हेन इनकम एंड एन इकोनॉमी चेंजेस, हाउ मच चेंज टेक्स प्लेस इन एन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना चेंज आता है जब किसी इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है लोगों की। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन इनकम। जब किसी इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, ये किस बात से पता चलता है? एमपीसी से। ठीक है, अब एमपीसी को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, जिससे पूरा कंजम्पशन कर्व हमें समझ आ सके कि एमपीसी का बिहेवियर क्या होता है, कितनी होती है एमपीसी की वैल्यू। 1936 में एक इकोनॉमिस्ट था जे एम केन्ज,
उसने एक बुक लिखी थी अपनी जिसमें उसने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था। वो कहता था कि लोगों की खर्चने की आदत एमपीसी की, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है उनकी साइकोलॉजी पे। और ये केन्ज ने जो लॉ दिया था ये एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरी दुनिया पे अप्लाई होता है, सभी कंज्यूमर्स पे, सभी इकोनॉमी पे अप्लाई होता है। केन्ज के अकॉर्डिंग जब किसी इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है, इनकम इंक्रीजेज, तो कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, कंजम्पशन बढ़ेगा निश्चित तौर पर, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितनी इनकम बढ़ती है। कंजम्पशन हमेशा इनकम से कम बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितनी इनकम बढ़ती है। सो इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सेविंग करना शुरू कर देते हैं। आज मेरी इनकम अगर डबल हो जाती है तो मैं खर्चा डबल नहीं कर दूंगा, क्या करने लगूंगा, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करने लगूंगा। ठीक है, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। इसलिए केन्ज कहता है कि लोगों की खर्चने की आदत 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब अगर उनकी इनकम 1 रुपया बढ़ती है तो वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं कि सारा पैसा खर्च कर देंगे। यानी कि एमपीसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। यानी मेरी इनकम अगर 1 रुपये बढ़ेगी तो मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन 1 रुपये नहीं बढ़ाऊंगा, 70 पैसे, 80 पैसे इतना बढ़ाऊंगा। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी इकोनॉमी में अगर इनकम 100 करोड़ रुपीज़ बढ़ती है लोगों की, तो कंजम्पशन 100 करोड़ नहीं बढ़ेगा, या तो 80 करोड़ बढ़ेगा, 70 करोड़ बढ़ेगा, 50 करोड़ बढ़ेगा, यानी कि 100 करोड़ से कम बढ़ेगा, कम इंक्रीज होगा। अब हम आते हैं कंजम्पशन कर्व पे। यहाँ हमने इनकम ले लिया, वर्स्ट कंडीशन इनकम की 0 हो सकती है, रुपीस करोड़ में लिए है हमने ये फिगर्स, कि 0 रुपीस करोड़ जब किसी इकोनॉमी में इनकम है तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, की इतना कंजम्पशन तो होगा ही। अब देखिए इनकम हर बार 100 बढ़ रही है, 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है, एवरी टाइम इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 100 करोड़, बट कंजम्पशन कितना बढ़ा है, 40 से 120, 80, फिर 120 से 200, फिर 80 बढ़ा है, 200 से 280। हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि जब भी इनकम 100 करोड़ बढ़ती है कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा, यह डेल्टा वाई कितनी बढ़ रही है हर बार इनकम 100, यहाँ पे तो कुछ नहीं बढ़ी थी, यहाँ पे कंजम्पशन कुछ नहीं बढ़ा था, अब कितना बढ़ा, यहाँ पे 40 से 120 हुआ, कितने का चेंज आया, 80 का। एवरी टाइम कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बाय 80 करोड़ रुपीज। अब हमने इसका रेशियो निकाला, एमपीसी निकाला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 80 अपॉन 100, कितना आया, 0.8। और वो जो कंजम्पशन फंक्शन था सी बार प्लस बी वाई, क्या बन गया, अब सी बार तो कितना है यहाँ पे 40 है, तो हमने यहाँ 40 लिखा, बी कितना है 0.8, तो हमने यहाँ 0.8 लिखा, तो 40 प्लस 0.8 वाई। अब इसका कर्व हमने अगर बनाया तो ये तो इनकम कर्व है, वाई क्या है 45 डिग्री की, ये जो लाइन है ये वाई जो आप देख पा रहे हैं ये इनकम कर्व है, 0, 100, 200, ये सारा हमने यहाँ प्लॉट किया, हमने यहाँ फिगर्स नहीं लिखनी है। वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है, ठीक है। अब कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से, तो 40 से स्टार्ट हो गया और ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। देखो इनकम तो इस रेट से बढ़ रही है, ये ऊपर जा रहा है इनकम कर्व सीधा, लेकिन कंजम्पशन इससे थोड़ा सा स्लोप इसका कम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उस रेट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से इनकम बढ़ रही है, इसका स्लोप है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेट इज 0.8। यानी कि एमपीसी जो होती है, बी जो होता है, बी मीन्स एमपीसी, ये स्लोप भी होता है कंजम्पशन कर्व का, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या है एग्रीगेट डिमांड का, इन्वेस्टमेंट। अब केन्ज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स रहती है किसी इकोनॉमी में, ऑटोनॉमस होती है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनॉमस या फिक्स, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या रखती है, फिक्स रखती है, चाहे इनकम 0 हो चाहे मैक्सिमम हो, इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया 20 करोड़ फिक्स है। अब इसका कर्व बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट लिया। अब ये कर्व आप देख रहे हैं, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है इन्वेस्टमेंट, ऐसा हमें मानना होता है इस थ्योरी में, आई इज इक्वल टू आई बार। केन्ज ये कहता है किसी इकोनॉमी में इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, इन्वेस्टमेंट जो रहती है गवर्नमेंट वाली इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, वो फिक्स रहती है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है ये कर्व। अब आता है मेन क्रक्स इस चैप्टर का, कि हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को, तो क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। अब हम बनाने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व और उसका शेड्यूल। देखिए इनकम हमने 0, 100, 200 ऐसे 100 बढ़ाई थी हर बार, कंजम्पशन लिया था 40 से, इन्वेस्टमेंट 20 ली थी, अब इन दोनों को जोड़ते जाएंगे, 40 प्लस 20, 60 आ गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, 120 प्लस 20, 140, ऐसे ऐड करते गए ये आ गया, ठीक है। अब हमने तीनों कर्व, अभी तक जो दो कर्व बनाए थे, पहला कर्व था कंजम्पशन कर्व, ये बना दिया हमने, 40 से स्टार्ट हुआ था, ये जो पिंक कर्व देख रही है इन्वेस्टमेंट कर्व है, हॉरिजॉन्टल है, फिक्स है ये, इन दोनों को जब ऐड किया सी प्लस आई, तो ये बन गया एग्रीगेट डिमांड कर्व सी प्लस आई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 60 से, और ये जो वाई लाइन आप देख रहे हैं ये है इनकम की लाइन, रेफरेंस लाइन, 45 डिग्री लाइन,
ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई में कि ये ऐसी क्यों होती है, लेकिन अभी आपको ये तीन कर्व याद रखने, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो सी प्लस आई। ठीक है, अब आता है कि अगर सिंपल हमें एग्रीगेट डिमांड कर बनाना हो, अभी तक तो हमने इसके कॉम्पोनेंट्स पढ़े, अब एग्रीगेट डिमांड कर कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे इनकम लेना है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लेना है, और ये हमने एग्रीगेट डिमांड कर बना दिया, 16 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इनकम लाइन है, इसका स्लोप इस इनकम लाइन से कम है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप भी क्या होता है, एमपीसी ही इसका स्लोप होता है, 0.8 है इसका स्लोप, अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग। ये जो पिंक कर्व आप देख पा रहे हैं ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट इस वीडियो में समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो ज़रूर।